हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहाबुद्दीन है और आज हम बात करने वाले हैं लिनोवो K6 पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। तो इसमें आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें आपको 5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 441 PPI। और इसमें आपको जो एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड 6.0.1 मार्शमेलो। और इसमें आपको जो स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया है जिसे क्लॉक किया गया 1.4 GHz पे, कॉर्टेक्स A53 कोर्स है। और इसमें आपको एड्रीनो 505 GPU मिलता है, 3 GB की रैम है, 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 128 GB माइक्रो HD कार्ड लगाकर। और इसमें आप अगर दो सिम कार्ड लगाएंगे तो आप इसमें HD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। अगर आप HD कार्ड लगाएंगे तो सिर्फ सिंगल सिम लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें 4G वोल्टी वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है, आप इसमें जियो सिम भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके और स्पेसिफिकेशंस की, तो जैसे कि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आपके ऑडियो क्वालिटी को, आपके अगर आप गाने वगैरह बहुत सुनते हैं या फिर मल्टीमीडिया को बहुत यूज़ करते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा रहेगा ये फ़ोन। और अगर हम दूसरे की स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जैसे कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, आपको जायरो सेंसर, थिएटर मैक्स, ये प्रॉक्सिमिटी और इनबिल्ट लाइट सेंसर, सभी सेंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 10,000 रुपीज़। अगर आप इसे कंपेयर करें शाओमी रेडमी नोट 3 से तो उसमें आपको सिर्फ 720p का डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसकी प्राइस 1,000 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर आपका बजट 10,000 रुपये तक का है तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है, 10,000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है। और अगर आप इसे शाओमी रेडमी नोट 3 से भी कंपेयर करें तो वो जो है वो फैबलेट टाइप का फ़ोन है, वो बहुत बड़ा है। अगर आपको एक छोटा कॉम्पैक्ट साइज का फ़ोन चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप इसे flipkart.com पर से खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए।